नमस्कार, मैं वर्षा प्रगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, आज दिन भर जो खबर चली है, हम सबको पता है जो मर्डर हुआ है यूपी में, उसके बारे में लगातार जो है खबरें चलती आ रही है। इसी बीच एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर जो है, जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, वो है कि आज अरविंद केजरीवाल सीबीआई ऑफिस गए थे। उसके पहले, सीबीआई ऑफिस जाने से पहले अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ महात्मा गांधी जी के समाधि के पास गए और उनका दर्शन किया, आशीर्वाद लिया और बाद में फिर थोड़ा बहुत प्रेस के साथ उनका संवाद हुआ और फिर वो ऑफिस गए। मतलब क्या एक ड्रामा लगता है ना, कि जाओ गांधी जी का दर्शन करो और लोगों को बताओ कि मैंने कुछ नहीं गलत किया है, मैं तो सत्यवादी हूं, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी आरोप लगे, लेकिन मैं सच हूं। इस तरह का ही एक एटीट्यूड लगता है ना। कुछ दिनों पहले भी इस तरह से एक बात हुई थी, जब राहुल गांधी जी की सांसद ही गई, वो लोग भी गए और फिर एक संकल्प सत्याग्रह किया, लोगों को बताने की कोशिश की कि नहीं, हम ही सच है। एक तरह से ये लोग जताना चाहते हैं कि जो डिसीजंस आ रहे हैं, जो निर्णय आ रहे हैं कोर्ट से, वो गलत है। मतलब इनका तो ये बोलते ही है ना कि हमारा लोकतंत्र खतरे में हो है, सारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी खतरे में है, इस तरह का आरोप तो लगाते ही है। चलो, ये बात तो हम कहते हैं हमेशा इनके बारे में कि ये आरोप लगा रहे हैं इस तरह से। अब बात करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सीबीआई का, जैसे ही समन पहुंचा था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि जिस तरह से कंस को मारने के लिए कृष्ण का जन्म हुआ, उसी तरह से बीजेपी को खत्म करने के लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी जो उनकी पार्टी है, आम आदमी पार्टी, वो पैदा हुई है, इस तरह का एक कंपैरिजन है। फिर दूसरा कंपैरिजन ये आया है कि अरविंद केजरीवाल मॉडर्न महात्मा गांधी है। ये दो कंपैरिजन, ये बोलो कहा महात्मा गांधी और कहा केजरीवाल, किसी की भी तुलना महात्मा गांधी जी के साथ नहीं हो सकती, कोई भी उनके बराबर नहीं हो सकता। वो महान थे, महान रहेंगे, कोई रत्ती भर भी कोई भी इंसान उनके बराबर से बराबरी का नहीं हो सकता। लेकिन इन लोगों को लगता है, क्योंकि ये बोलते हैं कि हम सत्यवादी है, कट्टर ईमानदार है। अगर ये लोग कट्टर ईमानदार है तो इनके ही गवर्नमेंट के दो तीन मंत्री जो है वो जेल में है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उनको बेल भी नहीं मिली है, वो कोर्ट का डिसीजन है, फिर भी ये बोल रहे हैं कि नहीं वो सत्यवादी है। और इतना ही नहीं, वो ये बोल रहे थे जब मनीष सिसोदिया जेल जा रहे थे कि उनको फंसाया गया है, और उसके पहले ये भी बता रहे थे कि इतना अच्छा काम उन्होंने किया है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। भाई, भारत रत्न जिनको मिलना चाहिए तो वो आज क्यों जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में, वो एक बात है। कंपैरिजन अगर करेंगे महात्मा गांधी और अरविंद केजरीवाल का, तो कहीं पे भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। कुछ बातें हैं, दो तीन पॉइंट्स। गांधी जी सत्यवादी थे, ये अपने आप को सत्यवादी बोलते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है, सत्यवादी बोलते हैं तो इनकी शुरुआत होती है अन्ना हजारे का जो वो आंदोलन हुआ है भ्रष्टाचार के खिलाफ, वहां से। और उन्होंने तब कहा था, मैं तो पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैं तो सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। क्या हुआ बाद में, जब आंदोलन खत्म हुआ तो सत्यवादी रहे? इन्होंने तो जिनका नाम लेके आंदोलन खड़ा किया था उनको ही धोखा दे दिया। अब अन्ना हजारे भी उनको लेटर लिख रहे कि क्या भाई, सीबीआई ने बुलाया है तो तुमको जाना चाहिए, अगर गिल्टी है तो पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए, ये भी है। दूसरी बात उन्होंने की है लेटर में, शराब। अब गांधी जी तो शराब के विरुद्ध थे, और चार्जेस यहाँ देखो, अरविंद केजरीवाल और उन जो उनके साथीदार हैं उनके ऊपर चार्जेस शराब घोटाले में लगे हुए हैं, कहाँ कंपैरिजन है। फिर तीसरी बात जो है कि ये बोल रहे हैं कि हम लोग जो है लड़ेंगे, जो मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ जो हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती कर रहे, झूठे आरोप लगा रही है एक्सेट्रा। तो अगर इस तरह का है, अभी तो ये बात हो रही है कि ये सीबीआई के खिलाफ भी कंप्लेंट करेंगे, मतलब अपने आप को सत्यवादी बताने की कितनी कोशिश कर रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा बोला जाता है ना कि जो झूठ बोलते हैं वो ज्यादा जोर से बोलते हैं, तो उसी तरह से ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा तो हमें लगता है।
ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरी बात, थोड़ी बहुत साम्यता ढूंढ के निकाल सकते हैं गांधी जी की और केजरीवाल की। गांधी जी जो है वो अपने विचारों को ही सही मानते थे, उनकी आइडियोलॉजी थी, और फिर अगर उनकी आइडियोलॉजी किसी ने एक्सेप्ट नहीं की तो वो उनकी परवाह नहीं करते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, और इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनको छोड़कर चले गए। ये हुई बात, एग्जाम्पल दे रही हूं। यहां पे भी ऐसा ही है, इनको लगता है केजरीवाल को कि मैं ही सच हूं, मैं ही सबसे अच्छा हूं, बाकी किसी की नहीं सुनना है। तो क्या इसकी वजह से इनके साथ जो अन्ना आंदोलन में खड़े थे वो सारे लोग इनको छोड़कर चले गए? जैसे फॉर एग्जाम्पल किरण बेदी है, कुमार विश्वास है, प्रशांत भूषण है, ये सारे लोग चले गए। तो क्यों चले गए? यही एटीट्यूड इनका है कि मैं भी सर्वसाम वो हूँ, क्या बोलते हैं, जिसके हाथ में सब कुछ होना चाहिए। ये एक थोड़ा बहुत साम्य हम देखते हैं, जो कॉमन लिंक। दूसरी कॉमन लिंक पता है, हम गांधी जी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो मुस्लिम अपीजमेंट, जिसको बोलते हैं तुष्टिकरण करते थे, और उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए हैं काफ़ी सारे लोगों ने, और उसके काफ़ी सारे प्रूफ्स भी है किताबों में, उनके कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी के इसमें भी हमको दिखता है। यहाँ पे भी केजरीवाल, हमको मालूम है किस तरह से वो अपनी राजनीति करते हैं। तो ये दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इफ आई एम करप्ट देन देर इज नो मैन दैट इज ऑनेस्ट, मतलब मैं करप्ट हूं तो मतलब क्या कि पूरी दुनिया के लोग करप्ट है, ऑनेस्ट है नहीं है, डिसऑनेस्ट है। भाई कहा, क्या जताता है? आपका अहंकार। और यही अहंकार बड़ों, जो बड़े बड़े लोग हैं ना, महाराजा हो राजा हो, उनको लेकर डूबा है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रावण का है। रावण को अहंकार हो गया था, मेरे जैसा बलवान महाज्ञानी एक्सेट्रा कोई नहीं था, और आखिर में क्या हुआ, वो मिट्टी में मिल गया। तो ये बात केजरीवाल का ये जो स्टेटमेंट है, ये बताता है कि उनको अहंकार है, और इसीलिए वो इस तरह की भाषा बोलते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये रहा आज का हमारा मुद्दा चर्चा का, जहां पर ये स्टेटमेंट आया था कि मॉडर्न महात्मा गांधी अरविंद केजरीवाल मिस्टर कट्टर ईमानदार। कट्टर ईमानदार बोलने से कोई ईमानदार नहीं हो जाता। योर एक्शंस आर ऑलवेज स्पीकिंग। तो आज की बात इतनी ही। अगर आज का ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए। जिन्होंने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।